हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। भारत सीज फायर के खिलाफ वर्जी बंद करे। ख्वाजा आसिफ का भारतीय हमनसब सुषमा स्वराज से खत में मुतालबा। कहा भारत ने रवा साल 1300 बार आबादियों पर फायरिंग की जिससे 52 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ये भी कहा कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ जवाबी कार्रवाई करती है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड अदालत में पेश। इस्तगासा के छठे गवाह मलिक तबीब का बयान कलमबंद किया जा रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और महानूर सफदर कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन रवाना। सानिया मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच आज दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएगा। रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक अदालत के सिंगल बेंच का फैसला पंजाब हुकूमत ने चैलेंज किया था। बाकर नजफी रिपोर्ट पब्लिक ना करने की इस्तदा की थी। कराची के इलाके अनचोली में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान केडीए टीम पर हमला। एमक्यूएम के रुकन सिंध असेंबली अनवर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस आज इस्लामाबाद में जलसा होगा। रात गए खुर्शीद शाह और मुराद अली शाह का परेड ग्राउंड का दौरा, तैयारियों का जायजा। मुराद अली शाह कहते हैं आज साबित हो जाएगा कि आवाम किसके साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा बैतुल मकदस में अमरीकी सफारतखाने की मुंतकली का फैसला मौखर कर दिया। सदर किसी इबहाम का शिकार नहीं, वक्त आने पर फैसला करेंगे, तर्जुमान व्हाइट हाउस। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियों की हिमायत कर दी। 9 में से 7 जजेस ने पाबंदियों के हक में फैसला दिया। 6 ममालिक में ईरान, शाम, चैड, लीबिया, सोमालिया और यमन शामिल हैं। खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बाइस इसराइल और सऊदी अरब मिलकर काम कर रहे हैं। CIA के सरबराह माइक पोम्पियो का इंकशाफ। दोनों ममालिक को मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर कायम करने का मशवरा भी दे दिया। मुल्क भर में जाड़े की धूम, सर्दी आवाम का इम्तिहान लेने लगी। कराची वालों ने भी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया।